नमस्कार, मैं कपीश भल्ला और आप देख रहे हैं उदयपुर खबर। शहर के एनिमल फीड नामक संस्था से जुड़े कई युवक युवतियां बेजुबान पशु पक्षियों की निस्वार्थ सेवा करते हैं। उनका कहना है कि सप्ताह के 7 दिन में से 6 दिन स्कूल कॉलेज जाने के साथ ही रोजगार करने का काम भी करते हैं और 1 दिन यानी रविवार को संस्था से जुड़े सारे ही कार्यकर्ता शहर के अलग अलग क्षेत्रों में जाकर गली मोहल्लों में रह रहे स्वान गाय के लिए दाना पानी और पक्षियों के लिए लगे पंडेरों को साफ कर पानी भरने का कार्य करते हैं। इसी कड़ी के तहत संस्था से जुड़ा एक ग्रुप आज हिरण मगरी सेक्टर 6 गायत्री नगर के क्षेत्र में पहुंचा और अपनी नित्य कार्यों के अनुरूप क्षेत्रीय स्वान और गायों को दाना पानी पिलाने खिलाने में जुट गया। इसके दूसरी ओर संबंधित क्षेत्र में रहने वाले लोगों ने संस्था के कार्यकर्ताओं के द्वारा किए जा रहे परोपकार के कार्य का विरोध किया और बातों ही बातों में विरोध इतना बढ़ गया कि क्षेत्रीय लोगों ने संस्था से जुड़े युवक और युवतियों के साथ अभद्रता का व्यवहार करते हुए गाली गलौज करते हुए मारपीट तक कर दी। आपको रूबरू कराते हैं, सबसे पहले दिखाते हैं क्या कुछ हुआ मौके पर। आप देख सकते हो अरे तो जानवरों की कमी नहीं आती है, इंसान की कमी नहीं आती है। चलो जो जानवर की इज्जत नहीं करेगा वो इंसान की क्या करेगा। इनके घर की बेटी होगी की चली गई दूसरे के लिए। अरे तो इनको बोलो ना, हमने क्या बोल दिया। लड़कियों को हाथ उठा रहे हैं, हमारी गाली दे रहे हैं। चलो भागो यहाँ से। आने दो तो चार के। अरे मारने दो, अरे खुशी मारने दो, अरे से मारने दो। बंदूक की बात करता हाथ लगा दिया। इसपे रिपोर्ट लिखाएंगे। अरे इसपे रिपोर्ट लिखाएंगे। अरे यार ऋषु दीदी प्लीज, आंटी बहुत गंदे लोग हैं, ये बात कर रहे हैं। तो आपने देखा कि क्षेत्र के सामाजिक जीवन यापन करने वाले जो कि अपने आप को सभ्य समाज का एक अभिन्न अंग बताते हैं, लेकिन ईश्वर ने अगर उन्हें बनाया है तो उसी ईश्वर ने सभी पशु पक्षियों को भी बनाया है। लेकिन बेजुबान पशु पक्षियों के जीने के अधिकार को छीनने के लिए यह आतुर शख्स शायद आज के आधुनिक सभ्य समाज के सदस्य हो भी सकते हैं। कई देर के चलते विवाद के बाद एनिमल फीड से जुड़े कार्यकर्ता संबंधित थाना हिरण मंगरी पहुँचे। घटनाक्रम के हालात को दृष्टिगत करता चलचित्र बताते हुए मामला दर्ज करवाया और जिला कलेक्टर पहुँचे, जहाँ रविवार होने से चौकी इंचार्ज राम कुमार ने संस्था के कार्यकर्ताओं की पीड़ा सुन संबंधित थाने में जाकर मामला दर्ज कराने की बात कही।
मेरा नाम रवि भावसार है। हम उदयपुर एनिमल फीड की टीम के द्वारा हर रविवार को हर एक एरियाज में खाना वाना खिलाते हैं बेजुबानों को। पूरे उदयपुर में अलग अलग एरियाज में जाके 60 से 70 वॉलेंटियर्स होते हैं, वो सुबह 7 बजे उठ के अलग अलग एरियाज में पूरे दिन खाना खिलाते हैं। तो आज हम सेक्टर 5 की जगह खाना खिलाने गए थे, तो वहाँ के कुछ स्थानीय लोगों ने हमें मना किया कि यहाँ खाना मत रखो। तो जब हमने बोला कि हम साइड में खाना रख रहे हैं, तो वहाँ पे वो हाथापाई करने लगे हमसे। हमारे जो वॉलेंटियर्स थे, गर्ल्स थे, उन्हें गाली गलौज करने लगे, हाथापाई करे। हमारे को गर्ल्स को चेस्ट पे धक्का वक्का भी दिया, बहुत हाथापाई की, जिससे एक कुत्ते को लकड़ी से मारा, पत्थर से भी मारा। क्योंकि आज हर एक इंसान को जीने का अधिकार है, तो उस बेजुबान को भी है। जब हम उसके लिए नहीं बोल सकते हैं, तो कौन बोलेगा? आज हम उनके लिए सुबह 7 बजे उठ के, हम 6 दिन जॉब करते हैं, 6 दिन कोई बिजनेस कर जाता है, स्कूल जाता है, और 1 दिन हम बेजुबानों की सेवा करें। उसमें भी लोग कह रहे हैं कि आप ये मत करो, तुम्हारे घर ले जाओ। ये तो ये कहाँ की इंसाफ है? हम इस बहुत कलेक्टर सर का, दीवानी मैं बहुत शुक्रगुजार है जिन्होंने हमें सपोर्ट किया। आज हम उनके खिलाफ आवाज़ उठाना चाहते हैं। हम प्रशासन से भी यही निवेदन करना चाहते हैं कि हमारा साथ दे, हम बेजुबानों के लिए काम करें, हम हमारे लिए काम नहीं करें। क्या ऑब्जेक्शन था? क्यों आपको उन्होंने खाना मत खिलाओ, यहाँ पे मत खिलाओ, तुम्हारे घर ले जाओ, हमें नहीं चाहिए यहाँ पे, हमारे बच्चों को काटते। अब एक बात बताओ, हम लोग स्ट्रेंजर है, हम सिर्फ आज गए, हमें तो नहीं काटा उन्होंने। अगर कुत्ता, अगर आप उनको परेशान करोगे तभी वो काटेगा, बिना फालतू कोई भी कुत्ता आपको नहीं काटेगा, ठीक है? एक अंकल बोलते हैं हमें इतना गंदा, उनके भी घर में ऑलरेडी बच्चियां हैं, लेकिन हम बच्चियों को बोलते हैं, बहुत गंदा वर्ड उन्होंने बोला जो हम लोग नहीं बोल सकते। फिर बोलने के बाद हमें चेस्ट पे ऐसे धक्का बोलते हैं, जाओ यहाँ से, तुम गली के जानवर, तुम ऐसे क्या रवाना हो जाओ। इतना गंदी तरीके से उन्होंने हमें ट्रीट किया। सुप्रीम कोर्ट का अभी ऑर्डर आ चुका है, लॉ में भी मतलब उन्होंने बोल दिया है कि हम ना मतलब जाके फीड करवा सकते हैं उन जानवरों को। उन सर का कॉलोनी वाले, उनके एरियाज वाले जो लोग हैं, उनका कहना है कि ये रोड भी हमारी है। उनका ये कहना है, आपने कोई मामला दर्ज कराया? मामला है, हमने सेक्टर 6 पुलिस स्टेशन में अपनी पूरी टीम उदयपुर एनिमल फीड के नाम से हमने FIR दर्ज करा दी है। और पशु क्रूरता और जो उन्होंने एब्यूज मतलब किया है, हमारे जो गर्ल्स थी साथ में, उनको जो धक्का मुक्की दी, लड़ाई और हाथापाई हुई है, उसके खिलाफ भी हमने FIR करा दी है। और आगे जो भी हो प्रशासन देख रहा है अभी। जो और जो खाना हम उनको खिला रहे थे ना, वो खाना हमसे छीन के और फेंक दिया हमारे पास से मारा जो अलग। और जब हम किसी को बोलते कि इन्होंने हमको इस तरीके से बात करी, तो ये बोलते कि गर्म खून होगा, तो फिर एक तरीके से तो उनका गर्म खून है, तो फिर हमारा क्या है? हम एक अच्छा काम कर रहे हैं, मतलब हम हमारे लिए तो नहीं कर रहे ना। सुबह इतना जल्दी उठ के, जो लोग संडे का दिन रेस्ट का दिन होता है, हर कोई रेस्ट करता है, अगर हम हमारे बच्चों के लिए कुछ कर रहे हैं, तो उनको क्या दिक्कत है? उनके घर में आज इतनी वीडियोस अपलोड हो रही है सर, कोई कुत्ते को मार रहा है, एक्सीडेंट कर रहा है, क्या उनको जीने का हक नहीं है? हमारे पास उनकी भी वीडियो मारते होगी, उन्होंने जो बेजुबान पे हाथ उठाया लाठी से और पत्थर से, बड़े जो अपने सीमेंटेड पत्थर होते हैं, वो उन्होंने मतलब बेजुबान वो जो डॉग था उसके ऊपर फेंका है। और उसके बाद भी हम जो फूड लेके गए थे कट्टे के अंदर, वो कट्टा उन्होंने हमारे पास इस चीज़ का प्रूफ है, क्लिप है हमारे पास, हमारे वॉलेंटियर के हाथ से वो छीन रहे और उस चीज़ को फेंक रहे। लास्ट संडे भी हम वहाँ गए थे, तो हमने उनको बोला था कि अंकल हम साइड में रख रहे हैं, तो उन्होंने हमको ये चीज़ बोली कि आप रखो, हम ये चीज़ लेके फेंक देंगे। हमने वहाँ रखी वहाँ पे, हमने अखबार में लेके वो फूड वहाँ रखा, उन्होंने आके वो चीज़ लेके साइड में फेंक दी। ये चीज़ ये भी बोला, उनके घर में 12 साल का बच्चा है, उनके घर में 12 साल का बच्चा है, आज भैया है इनके, भैया है, दीदी है, इनकी एज है कम से कम 22-23, इनको मतलब इतनी बुरी उन्होंने गाली वगैरह एब्यूज किया है, तो हमने सीखा है उन्होंने। अच्छा, हम लोग उनको उनके पेरेंट्स हमें बोल रहे हैं कि आप मतलब है ना सीख के आओ, पहले आप एजुकेटेड हो, और मतलब उनके फैमिली में वो कुछ एप्लीकेबल नहीं होते।